एमडीकेआर के स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते वो कहते हैं कि यार हम एक इंप्रूवर ईयर लेंगे, गैप ईयर लेंगे, उसके अंदर अपने आप को इंप्रूव करेंगे, दोबारा से अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे और अगली बार इंशाल्लाह जो सक्सेसफुल होंगे। अब आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने आपको बड़ा सुनहरी मौका दिया है इस बार कि वो स्टूडेंट्स जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए उनको एक साल वेट करने की जरूरत ही नहीं है, एक महीने के बाद जो है वो रिकंडक्ट हो रहा है। और यकीन माने इम्प्रूव करने के लिए जो है जरूरी नहीं है कि आपको पूरा एक साल या पूरे 12 महीने चाहिए। कभी कभी स्टूडेंट्स जो है जो 3-4 महीने से तैयारी कर रहे होते हैं उनको अगर 15 दिन 20 दिन भी अगर एक्स्ट्रा दे दो तो उसके अंदर वो जो है एडिशनल प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे नंबर जो है वो ले सकते हैं। तो इस बार जो रिकंडक्ट हो रहा है तमाम वो स्टूडेंट्स जो इम्प्रूवर ईयर की तरफ जा रहे थे उनके लिए बहुत जबरदस्त मौका है कि वो अगले एक महीने को बेहतरीन तरीके से गुजारें और बेहतरीन तरीके से उसके अंदर जो अपनी तैयारी करें। यहाँ पर ये बात बहुत जरूरी होगी समझना कि ये जो एक महीना आपको मिला है जिसने रिकंडक्ट की आपने तैयारी करनी है इसको जाया नहीं करना, इसके अंदर रूटीन अच्छी रखनी है, स्ट्रेटजी अच्छी रखनी है, क्योंकि अगर दोबारा से किताबें खोलकर वही रिविजन स्टार्ट कर दी, सिलेबस दोबारा से खत्म करने की बात की तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही वेस्ट ऑफ टाइम होगा। इस टाइम पीरियड को कैसे गुजारना है इसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक बैठक करने जा रहा हूँ, एक लाइव सेशन करने जा रहा हूँ, इसी सारी की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप पढ़ें और साइन अप करें और इस लाइव सेशन को डेफिनेटली ना मिस करें। अगर आपने समझ लिया कि आने वाले टाइम को कैसे गुजारना है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको क्या पीरियड लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी टाइम पीरियड में इतना जबरदस्त अपने आप को पोजीशन कर लेंगे कि आप इंशाल्लाह मेरिट के ऊपर आ जाएंगे। ऑल द बेस्ट।